नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचदश सर्ग, यानी कि किष्किंधा कांड से 15वां सर्ग। और इस सर्ग में है सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ तस्य निनादम तम सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः श्रुत्वा तु तस्य निनदम सर्वभूत प्रकंपनम मदश्चैक पदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान् ततो रोष परितांगो वाली स कनक प्रभः उपरक्तैवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः वाली दंष्ट्रा करालस्तु क्रोधातीप्ताग्निलोचनः भात्युत्पतित पद्माभः समृणालैव हृदः शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन च पदन्यासैर्दारयन्निव मेदिनी। तो श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने जब किष्किंधा पहुंचकर वाली के भवन के सामने पहुंचकर उसे जा ललकारा, तब वो अमरषशील वाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वो सिंहनाद वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उसकी वो गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहु ग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। वाली की डाढ़ें विकराल थीं, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हो। वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ बड़े वेग से बाहर निकला। तम तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद दर्शित सौहृदा उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर कमिदं वचः साधु क्रोधम इमं वीर नदी वेगम इवागतम शयनादुत्थितः काल्यम त्यज भुक्तामिव स्रजम् काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर वीरते शत्रु बाहुल्यम फल्गुता वान विद्यते सहसा तव निष्क्रामो ममतावन्न रोचते श्रूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते पूर्वमापतितः क्रोधात् स त्वामाभ्यते युधे निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः। उस समय वाली की पत्नी तारा बहुत ही भयभीत हो गई सुनकर वो गर्जना। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात वाली से कहने लगी। बोली, हे वीर, मेरी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कर दीजिए। हे वानर वीर, कल प्रातः काल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा,
इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे मैं बताती हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकालकर उन्हें परास्त कर दिया था और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। त्वया तस्य निरस्तस्य पीड़ितस्य विशेषतः एहैत्य पुनराह्वानम शंकाम जनयतीव मे दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संग्रम्भो नैतदल्पं हि कारणं नासहायं अहं मन्ये सुग्रीवं तं विहागतं अवष्टब्धसहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः न परीक्षित वीरेण सुग्रीवः सख्यमेष्यति पूर्वमेयं मया वीरश्रुतं कथयतो वचः अंगदस्य कुमारस्य वक्षामद्य हितं वचः। तो तारा को कुछ शंका थी इस बात को लेकर, तो वो आगे कहती हैं कि इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उसकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए, अवश्य ही कोई बड़ी बात है। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं जिसके बल पर वो इस तरह गरज रहे हैं। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्य कुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को वो अच्छी तरह परख न ले। हे वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। अंगदस्तु कुमारो अयम वनांतम उपनिर्गतः प्रवृत्तस्तेन कथिताचारैरासी निवेदिता अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरौ समर दुर्जयौ इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रथितौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीव प्रिय कामार्थं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ साते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि रामः परबलामर्दि युगान्ताग्निरिवोत्थितः निवासवृक्षः साधूनामापन्नानां परागतिः आर्तानां संशयश्चैव यशसश्चैकभाजनं ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितुः। तो तारा वाली को रोकते हुए बताती हैं कि कुमार अंगद से मुझे कुछ ऐसी बात ज्ञात हुई है। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे, वहां गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया था जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। वह समाचार इस प्रकार है कि अयोध्या नरेश के दो शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं।
वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं वे श्री राम, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रय दाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले। धातु नाम शैलेन्द्रो गुणा नामा करो महान, तत्क्षमो न विरोधस्ते सहते न महात्मना, दुर्जयेन प्रमेयेण रामेण रण कर्मसु, शूर वक्षामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्। श्रूयताम क्रियताम चैव तव वक्षामि यद्धितम्, यौवराजेन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय। विग्रहं मा कृथा वीरभ्रात्रा राजन यवीयसा, अहं हिते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्। सुग्रीवेण च संप्रीतिं वैरमुत्सृज दूरतः, लालनीयो हिते भ्राता यवीयानेश वानरः। तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते, न हि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कञ्चन। तो आगे बताते हुए तारा कहती हैं वाली से कि जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते हैं, उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। तो हे शूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। हे वीर वानर राज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध मत कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋषिमुख पर रहें या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। दानमानादि सत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्, वैरमेतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे सतिष्ठतु। सुग्रीवो विपुल ग्रीवो महाबन्धुर्मतस्तव, भ्रातृसौहृदमालम्ब्य नान्यागतिरिहास्तिते। यदि ते मत्प्रियं कार्यं यदि चावेषि मां हितां, याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे। प्रसीद पथ्यं शृणु जल्पितं हि मे, न रोषमेवानुविधातुमर्हसि। शमोहिते कोशलराजसूनुना न विग्रह शक्र समान तेजसा। तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं बालिनं पथ्यमिदं बभाषे,
नारोचते तद्वचनं हितस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले। तो तारा सुग्रीव को लेकर वाली को समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं। कहती हैं कि आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। पुष्ट ग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके पास यहाँ दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरी कोई गति नहीं है आपके लिए। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो, तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ आपसे, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। हे स्वामिन, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण मत कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उस समय तारा ने वाली से उसके हित की ही बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु वाली को वो बात रुचिकर नहीं लगी, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पाश में बंध चुका था। यूं भी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो दिमाग से सोच नहीं रहा था, केवल आवेश में आकर अपने भाई से वैर ठान चुका था और संधि करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य किष्किंधा कांडे 15वां सर्ग है। ओम श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः।